उन्होंने बोला कि कैसे नहीं बोलना है, माशाल्लाह बोलना है, तो इसको आप कैसा देखते हैं? मैंने पूरा जो इंसिडेंट हो रहा है ये सरासर कोड ऑफ कॉन्डक्ट के विरुद्ध जा रहे हैं ये लोग। इन पर तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जब इतना पब्लिक में ये लोग ये कह रहे हैं कि बीफ काटो और खाओ, और वो लोग रिलीजन के नाम पर भी, जैसे कि वो लोग मस्जिद के नाम पर वोट पूछ रहे हैं, दिसंबर 6 का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं, बाबरी मस्जिद का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं, तो ताज्जुब की बात है ये सारे एक ऐसे पढ़े लिखे बैरिस्टर साहब के मुंह से निकल रहा है। और इससे भी तो दर्दनाक बात तो ये है कि वो मुसलमान को एक बीप किस हद तक छोड़ दिए हैं, तो उनको बीप काटने और बीप खाने से आगे बढ़ना नहीं है उनके हिसाब से। तब तो सारे मुसलमान पसमंदे भाई और बहनों को सोचना चाहिए, क्या उनके जिंदगी बीप के अलावा कुछ अहमियत ही नहीं है क्या? एक ऐसा पार्टी के लीडर जो कभी मैनिफेस्टो के बारे में बात नहीं करें, लोगों को 5 साल में क्या करना चाहिए कोई ये बात तकरीबन 40 साल से बोलते नहीं आए, उनको तो सिर्फ लोगों से दो ही दो बात करने का, एक मजहब का बात करना है, एक बीफ का बात करना है।